देखिए भैया, आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है y बराबर x स्क्वायर को x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 2 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एरिया ज्ञात करना है हमको। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पे दिया क्या है, y बराबर x स्क्वायर। y बराबर x स्क्वायर का मतलब है ये x स्क्वायर बराबर y दिए, ये x स्क्वायर बराबर क्या दिए है, y। हमको पता है x स्क्वायर बराबर y का ग्राफ क्या है, हम जानते हैं कि ये x एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। जब बात करते हैं x एक्सिस की तरफ, यहां पर ये x स्क्वायर बराबर y है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस एक्सिस की तरफ बनेगा, y एक्सिस की तरफ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरफ बनेगा, y एक्सिस की तरफ बनेगा। लेकिन इसकी लिमिट क्या कह रहा है, कह रहा है x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 2 तक का ही भाग आपको छायांकित भाग क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें ये x बराबर 1 से लेकर के x बराबर 2 तक की छायांकित भाग ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते क्या है, ध्यान से देखिएगा, सबसे हलवा सवाल है ये, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, लिमिट कहां दिए है, x बराबर 1 से लेकर के 2 तक x एक्सिस की तरफ सॉल्यूशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट, यानी x अक्ष लिखा हुआ है 1 to 2, यहां पर x एक्सिस की लिमिट रख रहे हैं, तो dx होगा और क्या होगा, y into dx। यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, 1 to 2, y का वैल्यू है x स्क्वायर इंटू dx, x स्क्वायर इंटू dx। हमें x स्क्वायर का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब बाई 3, क्योंकि वी नो दैट ओनली वन फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला क्या जानते हैं, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 तो यहां पर क्या होगा, 3 बाई 2 प्लस 1 तो क्या होगा, 3। और लिमिट क्या होगी, 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। जैसे ही यहां 2 रखते हैं तो क्या होगा, 2 का क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस लगाएंगे 1 का क्यूब बाई 3। इस लिमिट को क्वेश्चन को यहां रख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, x की लिमिट रखेंगे तो कितना होगा, 2 क्यूब बाई 3 माइनस यहां पर क्या होगा, 1 रखेंगे तो 1 क्यूब बाई 3, यानी यहां पर आएगा 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 होगा क्या, 7 बाई 3, और यही इसका आंसर होगा 7 बाई 3 वर्ग इकाई। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन पे दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है वक्रो y बराबर x, कंडीशन दिए हुए हैं वक्रो y बराबर x। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है वक्रो y बराबर x, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है हमारा, वक्रो y बराबर x एवं दूसरी कंडीशन दिए है y बराबर x स्क्वायर के लिए मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ज्ञात कैसे करते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्ञात करने का सबसे आसान ट्रिक और सबसे सिंपल है, यहां पर क्या दिए है, y बराबर x दिए है और दूसरी कंडीशन दी है y बराबर x स्क्वायर, यानी ये कंडीशन जो आपकी कह रही है क्या, x स्क्वायर बराबर y, यानी x स्क्वायर बराबर 4ay। ध्यान से देखिएगा, आपका फिगर किस एक्सिस पे बनेगा, हम जानते हैं ये x एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस। देखिए यहां पर कंडीशन कह रहा है x स्क्वायर बराबर y, x स्क्वायर बराबर y, x स्क्वायर बराबर y है, यानी कि हमको ये पता चल रहा है कि x स्क्वायर बराबर y का जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस की तरफ बनेगा, और परवलय का ग्राफ होगा तो ये बनेगा हमारा x स्क्वायर बराबर y। सवाल में दूसरी कंडीशन दी है y बराबर x, क्या दी है y बराबर x, हम क्या जानते हैं y बराबर mx प्लस c, जानते हैं ना, यहां पर m की जगह पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि x की गुणे में कुछ भी संख्या नहीं तो कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग जैसे लिखते हैं तुलना करने पर, तो ध्यान से देखिएगा, तुलना करने पर होगा क्या, तुलना करने पर जो होगा m का मान होगा 1, क्या होगा, 1। m हम जानते हैं, m को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो m जो वैल्यू होती है वो हमारी हमारी प्रवणता की होती है, और प्रवणता को हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 1 है त्रिकोणमिति टेबल में,
वन टेन के किस कॉलम पे आता है, तो टेन 45 में आता है, किस में आता है, टेन 45 में आता है, यानी यहां पर होगा टेन 45, कितना होगा टेन 45, दोनों तरफ टेन से टेन खत्म, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45, कितना आएगा थीटा का वैल्यू, यानी ये वो सरल रेखा है जो केंद्र से एक्स की प्लस एक्सिस एक्स वाई के प्रथम चतुर्थांश में, कहां पर, प्रथम चतुर्थांश में 45 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जाएगी, यानी यहां से यहां तक कितने का बनाएगा 45 अंश का बना, कह रहा तो इसके द्वारा बना ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब निकालेंगे कैसे, निकालने की बड़ी अच्छी समस्या, सबसे पहले हमको लिमिट चाहिए, क्या चाहिए, लिमिट, हम नाम रख देते हैं इसका ओ, इसका नाम रख देते हैं बी, और यहां रख देते हैं इसके एक लंब डाल देते हैं वाई एक्सिस के समांतर, परपेंडिकुलर वाई एक्स के पैरेलल जैसे रेखा डालते हैं ए बी, तो यहां पर हमको बी बिंदु का निर्देशांक भी चाहिए कि बी बिंदु क्या, अच्छा कंडीशन तो हमें दो ही पता है, वाई बराबर एक्स पता है कंडीशन नंबर फर्स्ट, दूसरी पता है वाई बराबर एक्स स्क्वायर कंडीशन नंबर सेकंड, यही पता है। हम क्या करते हैं समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से वाई का मान समीकरण दो में रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, दो में, ध्यान से देखिएगा, वाई बराबर एक्स समीकरण दो में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, इंग्लिश में कहते हैं पुट ऑन द वैल्यू ऑफ कंडीशन नंबर सेकंड टू वाई इज इक्वल एक्स, यहां पर हिंदी में कहते हैं वाई बराबर एक्स समीकरण दो में मान रखने पर, जैसे ही यहां रखते हैं एक्स बराबर कितना होगा, एक्स यह प्लस का एक्स किसका है, प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो काहे का होगा, माइनस का होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या होगा, जीरो, दोनों से मैं एक्स कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी एक्स का मान जीरो और एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स का मान कितना होगा, कितना वैल्यू होगा यक्ष का, वन होगा, यक्ष का वैल्यू कितना होगा, वन होगा, ध्यान से देखिएगा, हमें यहां पर एक लिमिट पता चल गई यक्ष बराबर, पता चली ना, हमें एक्स एक्सिस का फिगर सॉल्यूशन करना है तो ज्यादा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसी से हमारा वर्क हो जाएगा। देखिएगा हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा पहली जो होगी लिमिट वो जीरो से एक होगी, क्या होगी, एक, किस एक्सिस की रख रहे हैं, एक्स एक्सिस के, यानी क्या होगा, वाई इंटू डी एक्स होगा, क्या होगा, वाई इंटू डी एक्स, अच्छा एक बात ध्यान देते, ये वाई इंटू डी एक्स यानी इस एक्सिस की हो, इस एक्सिस में अगर जीरो से एक रख रहे हैं तो इस त्रिभुज में अगर मैं ये परवलय वाली आकृति घटा दूं तो छायांकित निकल आएगा, तो यानी अभी जो जीरो से एक लिया वो किसके लिए लिया, रेखा के लिए, यानी ये लाइन के लिए लिया हमने, ये रेखा के लिए, माइनस जीरो से एक, यहां पर आकृति है किसकी, परवलय की है, y इंटू डी एक्स किसके लिए, परवलय के लिए, किसके लिए, परवलय के लिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे है क्या, क्वेश्चन पे यहां दिए जीरो से वन y इंटू डी एक्स, रेखा का मान y के लिए कितना है, y बराबर कितना है, x कितना है, y बराबर x, तो यहां पर होगा x इंटू डी एक्स माइनस यहां पर जीरो से वन होगा y किसके लिए, परवलय के लिए, परवलय के लिए y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर और इंटू पे क्या है dx, इंटू पे क्या है dx, ध्यान से देखिएगा इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आएगा जीरो से वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, लिमिट कितनी होगी, जीरो से लेकर के कहां तक, वन तक, जीरो से लेकर के कहां तक, वन तक, अब लिमिट रख देते हैं, जैसे ही वन रखेंगे तो क्या आएगा, वन बाई टू, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन बाई टू, यहां पर माइनस जीरो रखेंगे तो जीरो, तो एक्स बाई एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो बाई टू जीरो, यानी खत्म, माइनस एक्स क्यूब का मान वन, तो वन बाई थ्री, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, एलसीएम लेंगे तो तीन दूनी कितना होगा, छह, दो तीन छह, तीन माइनस तीन दूनी छह, दो एक अन्नम दो, थ्री टू जाए तो थ्री में टू जाएगा, वन बाई सिक्स वर्ग इकाई, यही इसका आंसर आएगा। देखिएगा क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर हमने क्या किया है, सिर्फ हमने ये देखा है कि त्रिभुज में हमने क्या किया, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यहां पर परवलय को क्या कर दिया है, घटा दिया है, और जैसे ही सबस्ट्रैक्ट किया है लिमिट रखने के बाद जो मिला वो फाइनली क्या मिला, सॉल्यूशन मिला, क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम चतुर्थांश में, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं
यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर कितना दिया है फोर एक्स स्क्वायर, और दिए है एक्स बराबर जीरो दिए है, और हमें दिए है वाई बराबर वन से लेकर के वाई बराबर फोर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कंडीशन हमको ये दिए है, कह रहा है y बराबर 4x स्क्वायर दिया x बराबर 0 में, y बराबर 1 से लेकर के y बराबर 4 तक घिरे क्षेत्र का क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में ही, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसके अलावा नहीं, अगर इसके अलावा गए तो आप लफड़े में चले गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अलावा कहीं नहीं जाना है। ध्यान से देखते हैं हमको क्वेश्चन पे कंडीशन क्या दिए, y बराबर 4x स्क्वायर दिए, यानी x स्क्वायर बराबर हमको y बाई 4 दिए है, ये कंडीशन दिए है हमको, कह रहा है इसका फिगर बनाइए, और हमको पता है ये कंडीशन किसका है, परवलय का, किसका है परवलय का, ध्यान से देखिएगा, परवलय का जैसे ही हम फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं फिगर, हमको पता है x स्क्वायर बराबर 4y, लिमिट क्या दिए, सुन लिए लिमिट से ही खेले, x का वैल्यू दिए है x बराबर 0, क्या दिए x बराबर 0, x की तरफ नहीं जा रहा, कह रहा y की तरफ जा रहा है, यानी y का मान 1 से लेकर के कह रहा y बराबर 4 तक, ये नहीं कह रहा कि पूरे परवलय में, ये कह रहा प्रथम चतुर्थांश में, हम जानते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये भी जानते हैं कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, यानी इस एक्सिस में कह रहा है कि जो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका लिख रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और जैसे ही छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखता हूं तो ध्यान से देखिएगा इसकी लिमिट क्या होगी, y की तरफ लिमिट होगी, यानी y की तरफ जाएंगे, यानी dy होगा, यहां पर क्या होगा x into dy, लिमिट कितनी होगी 1 से लेकर के 4 तक, ध्यान से देखिएगा 1 से लेकर के 4 तक, x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालेंगे यहां पर, तो x का वैल्यू आएगा रूट के अंदर y by 4, y का 4 बाहर आ जाएगा, यानी 1 by 2 रूट y, और y को क्या लिख सकते हैं 1/2 y की पावर कितना 1/2, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/2 x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 इंटू y की पावर 1/2 और इंटू पे क्या है dy, 1/2 कॉमन लेंगे, जैसे ही आप 1/2 कॉमन लेंगे, 1/2 कितना होगा कॉमन लेंगे तो ये होगा 1 से 4 और यहाँ पर y की पावर 1/2 और इंटू पे क्या है dy है, आपको सॉल्यूशन करना है x की पावर n, यहाँ पर x की पावर n का सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, लिमिट क्या है 1 से लेकर के कितनी है 4, यही है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/2 यहाँ पर x की पावर 3/2 और बटे में क्या है 3/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा कट ही जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा लिमिट जो है वो कितनी पता है 4 और 1 पता, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन यहाँ मैं किए दे रहा हूँ, सॉल्यूशन के लिए वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 1/3, यहाँ पर मैं आपका सॉल्यूशन किए दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा 1/3 और यहाँ पर क्या है x की पावर यहाँ पर 3/2 दिए है, और ध्यान से देखिएगा x की पावर 3/2 दिए है, लिमिट कितनी दिए है, लिमिट दिए है 4 से लेकर के 1 तक, वैल्यू रख लेते हैं 1/3, लिमिट x की जगह पे 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2, x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 3/2, 1/2, यहाँ देखिएगा बड़ी समस्या थी, सवाल में थोड़ी सी गलती कहाँ होगी, सवाल वाई में था, यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या होगा वाई होगा, क्या होगा वाई होगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन पे क्या होगा वाई होगा, क्योंकि लिमिट जो है वो वाई की ही दिए है तो वाई का ही होगा, ध्यान से देखिएगा 4 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 और यहाँ पर माइनस का क्या होगा 1, ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, 1/2 इंटू 2 की पावर 3 कितना होगा 8 माइनस 1, 8 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 7/2 वर्ग इकाई, यही इसका क्या होगा हमारा आंसर होगा, ओके नोट डाउन दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, देखते हैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन पे लिमिट का रखने पे क्या हुआ था कि ये 1/2 रखा था तो ये y की जगह x रख दिया था सॉल्यूशन करने पर, और यहाँ पर देखिएगा ये 1/3 की, ये 1/3 है ना कि 1/2, तो ये 1/3 रख दीजिएगा, और जैसे ही 1/3 रखेंगे तो आएगा 7/3 स्क्वायर यूनिट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इस दुनिया में गणित से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ये सब देखने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप इस बात को महसूस करते रहिए ताकि आपको ये सवाल आ जाए, बहुत ही हलवा, बहुत ही सरल,
और बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो दिया हुआ है वो मापांक की वैल्यू दिए हुए है। मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ ज्यादा ऊपर डाल दिया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सवाल देख लीजिएगा, नहीं ये सवाल आपको देख लेगा बोर्ड पेपर में। ध्यान से देखिएगा दिया क्या है। वाई बराबर दिया है मॉड एक्स प्लस थ्री, ये दिए वाई का वैल्यू कितना दिए है। y बराबर एक्स प्लस थ्री। रुद्रांश भाई पेन छोटा पड़े तो बड़ा ले लीजिए क्योंकि आप मुंह से उसको रब कर रहे हैं, अगर ज्यादा हो तो बोल के बड़ा वाला डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिए है, y बराबर दिए है मॉड एक्स प्लस थ्री। और यहाँ पर दिए क्या है, दिए क्या है ग्राफ खींचिए। और क्वेश्चन क्या दिए है, माइनस छ से जीरो। और मॉड के अंदर क्या दिए है, एक्स प्लस थ्री और इंटू डी एक्स कह रहा है, इसका ग्राफ बनाइए। अच्छा दो बातें, जब मॉड के अंदर हम लोग एक बात जान के आए हैं, अगर माइनस छ है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस छ। अगर ऐसे है तो इसका भी मतलब क्या होता है, छ। ये बात हम जान के आए हैं, अगर माइनस छ है तो छ और मॉड के अंदर छ है तो अभी क्या, छ। अब जब छ ही है, बात सरल रेखा की हो रही है, y बराबर mx प्लस c, तो मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो माइनस की भी होगी और काहे की होगी, प्लस c। अच्छा ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा एक बात ध्यान देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक बहुत अच्छी बात जरूरत है आपको, ये जीरो है, ये x एक्सिस है और हम जानते हैं ये y एक्सिस है, है ना। और ये भी जानते हैं ये हमारा जो बिंदु है वो माइनस से लास्ट पॉइंट है। अच्छा एक बात, ये लिमिट टूटेगी किस में, सबसे पहली बात ये बहुत जरूरी है, लिमिट टूटेगी किसमें, लिमिट टूटेगी, टूटने का तरीका मैं बता रहा हूं, लिमिट टूटेगी एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये जीरो हो जाए, वो लिमिट का ब्रेकिंग पॉइंट होगा, यानी मिड पॉइंट होगा। यहां पर एक्स की जगह पे माइनस थ्री रखने पर, क्या रखने पर, माइनस थ्री रखने पर ये हमारा क्या होगा, वैल्यू टूटेगा। तो यहां से एक ये ग्राफ बनेगा, ऐसे कह रहा है इस ग्राफ में जो ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्या ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा मैं लगा रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मैं क्वेश्चन पे नामकरण कर देता हूं ए बी सी डी ई, और यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसे ही लगाते हैं तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस थ्री से माइनस सिक्स, छोटे की ओर जा रहे हैं, यानी छोटे की ओर जा रहे हैं तो यहां पर जो एक्स प्लस थ्री होगा वो कम का होगा, कम का होगा, यानी काहे का होगा, माइनस का होगा, काहे का होगा, माइनस का होगा, प्लस यहां पर माइनस थ्री से जीरो बड़े की ओर जा रहा है। देखिएगा सर ये ग्राफ, ये देखिए कम की ओर जा रहा है, ये छोटे की ओर जा रहा है, यानी माइनस का, यहां प्लस, यहां पर देखिए क्योंकि ये माइनस तीन से बड़ा जीरो की ओर जा रहा है, यानी माइनस तीन कॉमा जीरो, और यहां पर क्या होगा, एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स होगा। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मैंने इसको बड़े आसानी से कर दिया, क्वेश्चन आसान नहीं है, मैंने कर बड़ी आसानी से दिया माइनस। ध्यान से देखिए एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन करने पर थ्री का क्या होगा, थ्री एक्स होगा, लिमिट क्या होगी, माइनस सिक्स से माइनस थ्री, प्लस। ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या है, यहां पर जो है हमारा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और थ्री का क्या होगा, थ्री एक्स, और लिमिट क्या है, माइनस थ्री से लेकर के कहां। चलिए ध्यान से देखते हैं मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, माइनस, ओ क्वेश्चन आ रहा है माइनस, यहां ध्यान से देखिएगा माइनस थ्री रखते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन होगा, नाइन बाई टू, यहां माइनस थ्री रखते हैं तो थ्री थ्री जा नाइन काहे का होगा, माइनस का। अब बीच का चिन्ह काहे का होता है, माइनस का, छाइन छाइन 36 बटे दो वो भी काहे का, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस रखने पर तो प्लस आएगा लेकिन काहे का आएगा, माइनस का, और माइनस सिक्स यहां रखेंगे तो छह त्रिक 18 माइनस का 18 लेकिन काहे का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस 18, और ये क्या लगा हुआ है, प्लस। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले इसको जीरो रखते थे, जीरो होगा, ये भी क्या होगा, जीरो। अब लेकिन जो चिन्ह आएगा वो काहे का आएगा, माइनस का, माइनस थ्री रखेंगे तीन त्रिकाई नौ बटे दो वो भी काहे का, माइनस का नौ बटे दो, काहे का दो, माइनस का नौ बटे दो, और माइनस का थ्री यहां रखेंगे तो काहे का होगा, तीन त्रिकाई नौ माइनस का, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस का नौ होगा, काहे का होगा, प्लस का। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा
माइनस अंदर गुणा कराते हैं, माइनस का 9 बटे 2, यहां पर माइनस माइनस का प्लस 9, यहां पर 18 दुनी क्या होता है 36, तो ये माइनस का 18 तो प्लस का 18, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 18, यहां होगा माइनस का 9 बटे 2, ये प्लस का क्या होगा 9, ये 18 से 18 क्या होगा कटेगा, 9 9 कितना होगा 18, और यहाँ पर 9 बटे 2 में 9 बटे 2 जुड़ेगा तो कितना आएगा 18 बटे 2 माइनस के 18 बटे 2 माइनस का 18 बटे 2, तो 2 से ये कटेगा तो 2 नाम 18, यानी 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 वर्ग इकाई, यही आपका इसका क्या है आंसर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया क्या था, लिमिट दिया था x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 6 से लेकर के कहां तक 0, माइनस 6 से 0 ब्रेकिंग पॉइंट निकालना था, मतलब मिड पॉइंट निकालना था वैल्यू का, जैसे निकालो तो x की वो वैल्यू जो x को क्या करे जीरो करे, तो यहां पर रखते हैं जैसे ही माइनस 3 रखते हैं तो जीरो होता है, तो माइनस 6 माइनस 3 और जीरो, और जैसे ही रखते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। ओके, गए गए।